हेलो एवरीवन, मैं हूँ कुंदन। आप सभी का स्वैट एंड स्वीट केमिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम मेटल कार्बोनिल क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, द मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव्स फ्रॉम द मेटल डी ऑर्बिटल टू कार्बोनिल पाई स्टार ऑर्बिटल द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इज। अब कहना क्या चाह रहा है कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में आपके मेटल टू सी ओ, एक तो होती है आपकी सिग्मा बॉन्डिंग एंड दूसरी होती है मेटल टू कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटल से कार्बोनिल के पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो उस कंडीशन में आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी जैसा कि पहला ऑप्शन ए है, डिक्रीज होगी या फिर रिमेन रहेगी या डिसअपीयर रहेगी, यही हमें बताना है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लगता है वो रहता है अपने बॉन्ड ऑर्डर का। जब भी, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि जब भी आपको स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बॉब्स वी एस अपॉन बी 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 एल, बी ओ बॉन्ड ऑर्डर, बी एस बॉन्ड स्ट्रेंथ, न्यू स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल एंड एस स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग एंड बॉन्ड लेंथ। तो इसे आपको याद रखना है। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज़्यादा है, यानी इस कंडीशन में क्या होगा कि मेटल से कार्बोनिल के ऊपर बैक बॉन्डिंग होगी। तो इफ़ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जाएंगे। पाई स्टार क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको एन ए भी बोलते हैं हम। और इस कंडीशन में अगर ए बी एम ओ के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 nb, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एन ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज होगा। तो आपका जो आंसर है वो होगा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज, यानी कि घटेगी। तो ऑप्शन, किस ऑप्शन में आपको डिक्रीज है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी आपका इसके लिए आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 रीड कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको सही से दिखे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो स्टेटमेंट है आपका वो है, स्टेटमेंट रीड करते हैं मार्कर को यूज करके हाईलाइट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इज। तो आपको इस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आपको पूछी गई है, ठीक है। तो आप नॉर्मली आपको ऑर्डर के अंदर सभी कॉम्प्लेक्स को जमाना है, तो ऑर्डर क्या रहेगा वो आपको पता करना है। पहले कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, कितने टाइप की कॉम्प्लेक्स है। एक कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है टाइटेनियम, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, दूसरा वेनेडियम कार्बोनिल वाला है, एक फ्री कार्बोनिल है और तो एक न्यूट्रल कार्बोनिल वाला कॉम्प्लेक्स दे रखा CrCO6। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स को अगर आप व्यू करेंगे तो एक सिमिलरिटी तो क्या है कि तीन कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ कार्बोनिल सेम है, एक फ्री कार्बोनिल है। तो इसे एक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। पहले तो ये कंसेप्ट देख लेते हैं कि जब भी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला रीड कर लेना है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, 1/BbBl। इसको याद रखने का तरीका है बॉब्स न्यू एस अपॉन BbBl। तो इस फॉर्मूले से अपने को क्या पता चल रहा है अभी कि अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी मेटल टू लिगेंड तो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बैक बॉन्डिंग कब इंक्रीज होगी, जब मेटल के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ज़्यादा चार्ज होगा। तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिख रहा है TiCO6 2-, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर हायर चार्ज है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसके अंदर
हाईएस्ट है, तो इस कंडीशन में मेटल टू लिगेंड बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी, हाई होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप इसकी हाई है। सेकेंड में क्या होगा, अगर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या था, बॉब्स न्यू एस अपॉन बी 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 एल, बैक बॉन्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी एंड स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो यही है आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी लो जाएगी। और अब आपको वो कॉम्प्लेक्स खोजना है जिसके अंदर मेटल अटैच्ड ही ना हो, इट मीन्स कार्बोनिल। कार्बोनिल में क्या है, फ्री कार्बोनिल है, किसी टाइप का कोई मेटल अटैच नहीं है इसमें, किसी टाइप की कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर वो मैक्सिमम रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम कितना है इसका, 3 रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हाई होगी, हाईएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। अब जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे 4, उसे आप डिस्केंडिंग चार्ज ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स TiCO6 2-, सबसे ज़्यादा चार्ज, फिर -1, कम चार्ज, फिर न्यूट्रल, 0 चार्ज, और फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर कोई मेटल अटैच नहीं, यानी CO। तो इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे लोवेस्ट होगी और फ्री कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हाई होगी। कैसे पता किया हमने, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप बता सकते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, मोर बैक बॉन्डिंग मोर होगी, तो क्या होगा, आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी लो जाएगी। तो ऑप्शन डी का जो अरेंजमेंट है वो आपका आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20 को रीड करते हैं। स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, द वैल्यू ऑफ CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ, आपको 3 डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, NiCO4, सेकेंड कॉम्प्लेक्स NiCO3 PMe3, एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स NiCO2 PMe3 2 मॉलिक्यूल। द फॉलो द ट्रेंड, इट मीन्स इन कॉम्प्लेक्स के अंदर कार्बोनिल की फ्रिक्वेंसी के जो ट्रेंड है वो आपको बताना है कि कौन सा रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स को अगर आप हम व्यू करेंगे तो इसमें एक जो डिफरेंस अपने को नज़र आ रहा है वो क्या है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी या कॉम्प्लेक्स में PMe3 लिगेंड एब्सेंट है, सेकंड में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और थर्ड कॉम्प्लेक्स में 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो होता है क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है वो है नेचर ऑफ लिगेंड। PMe3 एक सिग्मा डोनर लिगेंड है जो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कितने, और वीकर पाई एक्सेप्टर है। तो PMe3, अगर नंबर ऑफ PMe3 लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्रीज होंगे तो इट मीन्स मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी जो बैक बॉन्डिंग है मेटल टू कार्बोनिल वो भी इंक्रीज होगी। तो वही आपका यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है। और जब भी आपको स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, BO BS न्यू एस अपॉन BBBL। अगर ये आपको याद है तो इसके यूज करके आप मेजॉरिटी क्वेश्चन यूज सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे BO रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ न्यू, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, S है आपका स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग BB एंड BL। तो देखते हैं PMe3 क्या करता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी बैक बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ मेटल भी इंक्रीज होगी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होगा, कम होगा, और बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होगा तो आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा PMe3 लिगेंड जिसमें होंगे उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा PMe3 लिगेंड किसके अंदर है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को हमने नंबर दे दिए, नंबर 1, 2 एंड 3, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा साइडवेज, ओके ये साइज ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1, 2 एंड 3 NiCO4, इससे थोड़ा सा और छोटा कर ले,
ओके हाँ ये सही है। ओके तो अब ध्यान देते हैं इसके ऊपर, NiCO4 इसके अंदर कोई भी PME3 लिगेंड नहीं है, इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो नो बैक बॉन्डिंग ड्यू टू लिगेंड, यानी NiCO इज हाईएस्ट, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी हाईएस्ट रहेगी, PME3 यहाँ पे एबसेंट है। और लास्ट कॉम्प्लेक्स में देखें तो PME3 के दो लिगेंड, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग भी ज़्यादा परफॉर्म होगी ड्यू टू 2 PME3। तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा परफॉर्म होगी तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने के कारण आपका NiCO भी लोवेस्ट यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, या NiCO को बोल सकते हो आप डिक्रीज होगी। तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा, NiCO कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ग्रेटर देन कॉम्प्लेक्स सेकंड, ग्रेटर देन कॉम्प्लेक्स थ्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है, या ऑप्शन ए जो है आपका आंसर रहेगा।